मॉर्निंग बच्चों, आज हमें जय पराक्रम जीव विज्ञान में पढ़ाना है। जैसा कि आगे आप लोगों को पढ़ाया गया है कि जीव विज्ञान और वानस्पति विज्ञान, इसके अंतर्गत आपको पहले बता चुके हैं हम। अब इसमें हमको पढ़ाना है जय पराक्रम। जय पराक्रम है क्या? तो हर जीव शरीर सभी जीव कोशिकाओं की कोशिकाओं में क्या होता है, टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत हर समय जीवों के शरीर में चलता रहता है। ठीक, तो वो भी किसके अंतर्गत आता है? जैव पराक्रम के अंतर्गत आता है। जैसा कि वह सभी पराक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं? जैव पराक्रम कहलाते हैं। अब जैव पराक्रम, वही हमने आपको लिखा भी है कि वह सभी क्रियाएं क्या होती हैं, सम्मिलित रूप से जो अनुरक्षण का कार्य करती हैं क्या कहलाती हैं? जैव पराक्रम कहलाती हैं। जिसके अंतर्गत क्या होती हैं, हर सजीव कोशिकाओं में क्या होता है, हमेशा कोशिकाएं क्या होती हैं, पुरानी कोशिकाएं के मृत होती रहती है और नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। समझ में आया? मतलब हर जीवों के शरीर में जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं उनके मृत होती रहती है तथा नई कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है। ठीक, अब इसका निर्माण करने में कौन से जैव पराक्रम के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? पहला जो होता है पोषण होता है, जो आप लोगों को पता है। ठीक, तो ये हमने लिखा है कि पोषण है। दूसरा क्या है? श्वसन है। तीसरा क्या है? परसंचरण है, परसंचरण। और चौथा क्या है? उत्सर्जन, उत्सर्जन है। तो ये चार क्रियाएं जो होती हैं हर जैव पराक्रम के अंतर्गत आती हैं, जो किसमें होता है, सजीव कोशिकाओं में होता है। ठीक, अब जैसे पोषण है तो पोषण का अर्थ क्या होता है? भोजन होता है, क्योंकि हर जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि अगर हम पोषण नहीं करते हैं तो अगर हम पोषण नहीं करेंगे तो हमें ऊर्जा नहीं प्राप्त होगी, और अगर हमें कोई कार्य करना है तो उसको ऊर्जा, हाँ कोई कार्य करना है तो हमें क्यों, कार्य करने के लिए हमें हमारे शरीर को क्या मिलना चाहिए? ऊर्जा मिलना चाहिए। ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होता है? पोषण से प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बता भी चुके हैं कि भोजन। अब भोजन में जब हम भोजन करते हैं तो उस भोजन से हमें पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। अब पोषक तत्व जो होते हैं दो प्रकार होते हैं, कार्बनिक होता है और अकार्बनिक होता है। अब कार्बनिक में क्या होता है, जैसे आप भोजन करते हो तो आप जैसे चावल खाते हो तो उससे क्या प्राप्त होता है, आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। दाल खाते हो उससे आपको क्या प्राप्त होता है, प्रोटीन प्राप्त होता है। ठीक, लिपिड्स जिसको आप वसा कहते हैं, जैसे आप दाल खाते हैं या सब्जी खाते हैं तो उसमें घर में क्या होता है, तड़का लगाया जाता है, जिससे हम किससे तड़का लगाते हैं, तेल से लगाते हैं, जैसे सरसों का तेल है। ठीक, तो उससे हमें क्या प्राप्त होता है, वसा प्राप्त होता है। ठीक, अकार्बनिक जो होता है उसमें क्या होता है, जैसे हमारे शरीर को अकार्बनिक पदार्थों की भी आवश्यकता होती है, जैसे आपको कैल्शियम की आवश्यकता है, फास्फोरस की आवश्यकता है, तो ये सब क्या हैं, अकार्बनिक पदार्थ हैं, जो किसके अंतर्गत आते हैं, खनिज लवण के अंतर्गत आते हैं। तो वही हमको बताना है कि पोषण, तो पोषण को कितने भागों में बांटा गया है, मतलब पोषण जो होता है, पोषण का हमने लिखा है ये क्या है, प्रकार। तो ये क्या है, प्रकार, मतलब इसके कितने प्रकार होते हैं। समझ में आया? तो इसके कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। पहला आप क्या कहते हैं, स्वापोषी, और दूसरा आप क्या कहते हैं, परपोषी। अब इसको आप क्या कह सकते हैं, परपोषी, इसको आप विषम पोषी भी, विषम पोषी भी कहते हो, मतलब चाहे परपोषी को या फिर विषम पोषी को। अब स्व मतलब क्या होता है, कुछ जीव जंतु या पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। समझ में आया? तो कुछ जो होते हैं निर्भर होते हैं दूसरे पर। तो पहला क्या है, स्वपोषी। जैसे आप देखते हैं
कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं, कुछ क्यों सभी पौधे, सभी पौधे जो होते हैं अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। किसकी सहायता से? प्रकाश संश्लेषण की सहायता से। अब प्रकाश संश्लेषण कहाँ से प्राप्त होता है? जैसे आप दिन में देखते हो कि जब सूर्य निकलती हैं तो सूर्य की किरणें से हमें क्या प्राप्त होता है? प्रकाश प्राप्त होता है, और उसी से भोजन क्या करते हैं अपना पौधे, क्या करते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। समझ में आया? तो वही इसको हमने कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। एक क्या होता है? प्रकाश, प्रकाश, और दूसरा, पहला क्या है? प्रकाश है, ठीक, प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी हो गया। और दूसरा क्या होता है? रसायन, रसायन संश्लेषी। अब जैसे हमने यहाँ पर दो लिखा है, एक क्या है? स्वपोषी, जो आपको बता ही चुके हैं कि जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। इसके अंतर्गत आपको हमने दो दिखाया कि एक पहला क्या है? प्रकाश संश्लेषी, और दूसरा क्या है? रसायन संश्लेषी। अब प्रकाश संश्लेषी में क्या आता है? सभी क्या होते हैं? हरे पादप, हरे पादप जो होते हैं किससे भोजन प्राप्त करते हैं? प्रकाश से। इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी कहते हैं। दूसरा क्या होता है? रसायन स्वपोषी। अब रसायन स्वपोषी में क्या होता है? इसके अंतर्गत क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा गंधक, जीवाणु, ठीक, ये सभी क्या होते हैं? रसायन संश्लेषी होते हैं। जैसे ये क्या होते हैं? रसायन तत्वों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए गंधक, जीवाणु, इन सबको हम क्या कहते हैं? रसायन संश्लेषी कहते हैं। तो इसमें भोजन पोषण के दो प्रकार, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी में दो प्रकार, पहला क्या है? प्रकाश संश्लेषी, और दूसरा क्या है? रसायन संश्लेषी। पहला, इसके अंतर्गत हमने बताया हरे पादप जो अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। किसकी सहायता से? प्रकाश संश्लेषण की सहायता से। इसलिए ऐसे हरे पादप को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी कहते हैं। दूसरा, जैसे रसायन संश्लेषी, इसमें क्या होते हैं? गंधक, जीवाणु। अब जीवाणु आप लोग जानते ही हैं कि जीवाणु जो होते हैं जैसे रासायनिक तत्व। अब जैसे जीवाणु हमने लिखा है यहाँ पर, तो जैसे आप देखते हैं अरहर का पौधा है, दलहन के पौधे जिसको मान लीजिए, तो दलहन के पौधों की जड़ों को आप देखते होंगे। कोई भी दलहन की पौधे की आप जड़ को देखते हैं, तो इस प्रकार जैसे आपने देखा कि ये जड़ है, जड़ में छोटे छोटे इस प्रकार की आपको क्या दिखाई देती हैं? गांठें दिखाई देती हैं। और जड़ हमने आगे आपको बता भी चुके हैं कि जड़ के हर भाग को क्या कहते हो, तो इसमें जो गांठें दिखाई देती हैं इसको हम क्या कहते हैं? राइजोबियम। राइजोबियम एक ऐसा जीवाणु होता है जो क्या होता है? सहजीवी के रूप में पाया जाता है, जो पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता रहता है तथा पौधों को भी भोजन देता रहता है। समझ में आया? अगला जो होता है परपोषी। अब परपोषी मतलब क्या होता है? कि कुछ कुछ पादप ऐसे होते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं, पादप या जीव किसी को मान लीजिए, ठीक, जो क्या होते हैं? दूसरे पर निर्भर होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? परपोषी अथवा विषमपोषी। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? इसके भी प्रकार होते हैं, तो इसमें तीन प्रकार, एक हो गया, दो हो गया, और तीन हो गया। तो इसमें तीन प्रकार, पहला क्या होता है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा, पहला जैसे मृतोपजीवी। अब मृतोपजीवी का अर्थ क्या होता है? जैसे कुछ ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिसे क्या कहते हैं? सड़े गले, जिसको पदार्थ कहते हो, ठीक, तो उसे क्या करते हैं? जीवाणु, विषाणु, मशरूम जिसको कहते हो, ठीक, या फिर राइजोपस, कवक जिसको कहते हो। जैसे फफूंद जो होते हैं वो क्या करते हैं? कार्बनिक पदार्थों पर लगकर उससे क्या करते हैं? नष्ट कर देते हैं। तो ये सभी किस में आते हैं? मृतोपजीवी में आते हैं। दूसरा जो होता है परजीवी, तो यहाँ लिख दिया जाए, ठीक, मृतोपजीवी। दूसरा जो होता है परजीवी, और तीसरा जो होता है
प्राण सम भोजी, ठीक, तीन प्रकार। तो मृतोपजीवी में क्या होता है, जैसे हमने बताया कि इसके अंतर्गत मृतो मतलब जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मृतोपजीवी कहते हैं। इसमें हमने बताया कि इसके अंतर्गत क्या होता है, मशरूम, इसके अंतर्गत मशरूम, राइजोपस ये आते हैं। अब मशरूम जो होता है, मशरूम भी जो आप लोगों ने देखा होगा कि कार्बनिक पदार्थों पर एक छत्ते के आकार का होता है, ठीक, इस प्रकार। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, जैसे घोर गड्ढों पर पाए जाते हैं, घोर गड्ढों पर आपने देखा होगा कि एक छत्ते के रूप में दिखाई देता है, ठीक। तो उसको हम क्या कहते हैं, मशरूम कहते हैं। और राइजोपस जिसको आप क्या कहते हैं, कवक कहते हैं, तो कवक में राइजोपस इस आकार में आपको दिखाई देता है। तो ये दोनों क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थों पर उगते हैं। किस कार्बनिक पदार्थों पर उगते हैं, जो सड़े गले होते हैं, ठीक, और उसी पर ये उगते हैं, उसी से अपना भोजन ये क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो ऐसी क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, मृतोपजीवी कहते हैं। दूसरा जो होता है परजीवी, ये है परजीवी। अब परजीवी में क्या होता है, जैसे अमरवेला होता है, ठीक, जू होता है, खटमल होता है, ठीक, उसके बाद में पलेटे हेलमेंथीज जो एक संघ आता है जीवों के वर्गीकरण में, उसमें एक संघ है प्लेटे हेलमेंथीज जिसके अंतर्गत फैसोला है, पलेनेरिया है, ठीक, टीनिया है या एकृत क्रीम जिसको कहते हैं, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, परजीवी के अंतर्गत आते हैं। पर मतलब दूसरे पर, जो दूसरे के जीवों पर उपस्थित होकर अपना भोजन प्राप्त करता रहता है उसे हम क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं, ठीक। तो इसमें आप लिख सकते हैं, इसके अंतर्गत अमरवेला, खटमल, ठीक, जू हो गया, और उसके बाद में फीता क्रीम हो गया, ठीक। तो ये सभी किस में आते हैं, परजीवी के अंतर्गत आते हैं। अब अमरवेला एक प्रकार क्या क्या है, पादप है, जो पादप के ऊपर चारों तरफ से लसकर अपना भोजन प्राप्त करता रहता है। खटमल सभी लोग जानते ही हो कि ये किस्में चारपाई या लकड़ी के सामानों में पाए जाते हैं, जो क्या होता है, मनुष्य और जीवों के शरीर पर पाए जाते हैं, ठीक। तीसरा जो होता है फीता क्रीम, जैसा कि आगे हमने बताया अभी कि ये किस्में पाए जाते हैं, प्लेटे हेलमेंथीज संघ के जंतु होते हैं, जैसे फीता के सामान होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, फीता क्रीम कहते हैं। ये मनुष्य के शरीर में पाए जाते हैं, जैसे मांस खाने वाले जीव, जैसे क्या होते हैं, मनुष्य भी खाते हैं, बकरी है, मुर्गा है, तो उनके एकृत से अगर मांस पूर्ण रूप से पका नहीं होता है तो ये मनुष्य के शरीर में भी पहुंच जाते हैं, ठीक। आगे जो होता है प्राण संभोजी तीसरा जो होता है, इसमें क्या होता है, इसमें तीन प्रकार होता है। एक क्या होता है, शाकाहारी, पहला है शाकाहारी, दूसरा जो होता है मांसाहारी, दूसरा जो है मांसाहारी, और तीसरा जो होता है सर्वाहारी, तीन प्रकार। तो इसमें क्या है, शाकाहारी हो गए, मांसाहारी हो गए, और तीसरा जो होता है सर्वाहारी हो गए। अब शाकाहारी मतलब जैसे आप लोग किसमें पिरामिड में पढ़ा होगा, अगर पढ़े होंगे तो 9th में, अगर नहीं पढ़े होंगे तो आपको नहीं आता होगा कि पिरामिड में क्या बताया गया है कि कुछ जीव जंतु जो होते हैं केवल किस पर निर्भर होते हैं, पौधे पर निर्भर होते हैं। जैसे वो पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। मांसाहारी जैसे क्या होता है, कुछ जीव ऐसे होते हैं
वो केवल मांस का ही सेवन करते हैं। जैसे आप कोई पूछता है तो क्या बताओगे, तो शाकाहारी में क्या आता है, शाकाहारी में जैसे गाय है, यहाँ लिख सकते हैं कि गाय है, बकरी है, ये सब क्या होते हैं शाकाहारी होते हैं, हिरण है, मृग है, ये सब किस में आते हैं, शाकाहारी में आते हैं। मांसाहारी में क्या होता है, मांसाहारी में जैसे आप लोग कहते हैं शेर है, चीता है, चीता कहते हो, बाज कहते हो, तो ये सब किस में आते हैं, मांसाहारी में आते हैं। सर्वाहारी, सर्वाहारी में किसको माना गया है, मनुष्य को माना गया है, क्योंकि मनुष्य मतलब शाकाहारी व मांसाहारी दोनों पर निर्भर होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सर्वाहारी कहते हैं। तो ये हो गया आपका पोषण, मतलब पोषण में आपको इतना पढ़ना है, समझ में आया। अब दूसरा क्या लिखा हुआ है, श्वसन, श्वसन सभी लोग जानते हो कि श्वसन जो होता है हर जीवों को क्या होता है, श्वसन करने की आवश्यकता होती है, चाहे वो पेड़ पौधा हो या फिर जीव जंतु। अब जैसे जीव जो होते हैं वो किसका किसका ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का, और जो पादप होते हैं वो किसका ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का। ये आप लोगों को पता भी है कि पौधे जो होते हैं वो जीवों पर निर्भर होते हैं, जीव जो होते हैं पौधे पर निर्भर होते हैं, दोनों, अगर पेड़ नहीं रहेगा या फिर जीव नहीं रहेंगे तो श्वसन क्रिया असंभव होती है, क्योंकि हमें पौधे क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, हम पौधों को क्या देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, तो दोनों से श्वसन की क्रिया होती है और श्वसन हर जीव जंतु तथा पेड़ पौधों को आवश्यक होता है। तीसरा जो आपको पढ़ना है जो प्राक्रम में, पर संचरण, पर संचरण मतलब क्या होता है, पर मतलब चारों ओर। अब इसके अंतर्गत क्या आता है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि शरीर में रुधिर पाया जाता है, जिसको आप क्या कहते हैं, ब्लड कहते हो। अब रुधिर जो होता है, रुधिर की खोज किसने किया था, आगे हम बताएंगे, लेकिन आज भी सुन लो कि रुधिर की खोज वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1912 ईस्वी में किया था। अब इसमें क्या होता है, रुधिर में भी रुधिर वर्ग होता है, जिसको आप क्या कहते हैं, ब्लड ग्रुप कहते हो। अब ब्लड ग्रुप सभी लोगों को आगे बताएंगे, लेकिन इतना जानो कि ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है, चार होते हैं। इसमें इसको हमने क्या माना है, ए बी को सर्वग्राही और ओ को क्या माना गया है, सर्वदाता। तो सर्वग्राही मतलब ग्रहण करने वाला, सर्वदाता का अर्थ क्या होता है, देने वाला, ठीक। तो ये क्या करते हैं, जैसे आप ए बी ग्रुप के मनुष्य हैं तो आप क्या करेंगे, सभी वर्ग के रुधिर, सभी वर्ग के मनुष्य से क्या कर सकते हैं, रुधिर ले सकते हो, लेकिन किसी वर्ग को अगर आवश्यकता लगता है तो आप दे नहीं सकते हैं। किसको दे सकते हो, ए बी वाले ही ग्रुप को दे सकते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सर्वग्राही, क्योंकि ये सभी का ग्रहण करता है लेकिन देता किसी को नहीं है। सर्वदाता, ये सभी को दे सकता है लेकिन किसी से ले नहीं सकता है, किससे ले सकता है, ओ से ले सकता है, समझ में आया। आगे जो है उत्सर्जन, क्योंकि हम भोजन या पोषण करते हैं तो हमें उत्सर्जन की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारे शरीर में जो पोषक तत्वों से बचे अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उसका उत्सर्जन हम क्या करते हैं, बाहर करते हैं। उत्सर्जी अंग 5 प्रकार होते हैं, पहला जो होता है वृक्क होता है, दूसरा जो होता है त्वचा होता है। त्वचा से आप जानते ही हैं कि हमेशा हमारे शरीर से क्या होता है, पसीना उत्सर्जित होता रहता है, ठीक। तीसरा जो होता है एकृत, चौथा जो होता है क्या होता है, तो पहला हो गया त्वचा हो गया, दूसरा वृक्क हो गया, तीसरा एकृत हो गया, चौथा जो होता है फेफड़ा हो गया। क्योंकि फेफड़ा को क्यों माना गया, क्योंकि हम उसकी सहायता से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं। और जो पांचवा होता है आंत या प्लीहा कर लीजिए, क्योंकि प्लीहा में रुधिर बैंक जिसको कहते हो, ठीक। अब अगला जो होता है इसी जैव पराक्रम के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है, जनन, ठीक। क्योंकि हर जीवों को अपनी पीढ़ी को बढ़ाने के लिए जनन की आवश्यकता होती है, और जनन जो होता है दो प्रकार होते हैं, कौन होता है, एक अलैंगिक होता है, दूसरा लैंगिक होता है। इसके आगे हम आप लोगों को कल फिर बताएंगे।